पेंडुलम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है, मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल है। बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक में थर्ड यूनिट में हमने कंपाउंड पेंडुलम को पढ़ा है, अवमंदित दोलित्र को पढ़ा है, उसमें अवमंदित दोलित्र के प्रभाव को पढ़ा है। अब उसी थ्योरी को हमें प्रैक्टिकली करके देखना है। प्रैक्टिकली करने के लिए ये कंपाउंड पेंडुलम या अवमंदित दोलित्र लगा हुआ है। अवमंदन का मतलब होता है कि अगर इसी में एक घनत्व विस्थापित करके, अधिकतम विस्थापित करके छोड़ दूं, तो वायु के माध्यम के घर्षण के कारण इसके दोलनों के आयाम में समय के साथ कमी होती है। इस प्रकार के दोलित्र को ही अवमंदित दोलित्र कहा जाता है। अब हमें इसमें कितने आयाम में कमी हो रही है, इसका आवर्त काल क्या है, वो सब स्टडी इसके अंदर करना है। तो हमें उद्देश्य समझ में आया। हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य है एक पिंड लोलक के वायु के अवमंदन का अध्ययन कर दोलक का अवमंदन गुणांक और विशेषता गुणांक ज्ञात करना। उपकरण के नाम पर पिंड लोलक है, विराम घड़ी है, मीटर स्केल है, धातु की पत्ती आदि। तो यहाँ पर पिंड लोलक ये रहा, मीटर स्केल ये लगा हुआ है, विराम घड़ी स्टॉप वॉच के रूप में मोबाइल में से स्टॉप वॉच काम में ली जाती है, और स्केल मीटर धातु की पत्ती ये लगी हुई है। इस तरह से हमारे उपकरण पूरे हो जाते हैं। फिर इसका सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत में हमें दो तीन फॉर्मूले, अवमंदन गुणांक कैलकुलेट करना है। अवमंदन गुणांक का सूत्र ये होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी, और प्रवणता का मान टी होता है इस दोलक का आवर्त काल। फिर हमें क्वालिटी फैक्टर यानी कि विशेषता गुणांक ज्ञात करना है। विशेषता गुणांक का सूत्र होता है 2π × दोलक द्वारा संग्रहित माध्य ऊर्जा डिवाइडेड बाय प्रति दोलन ऊर्जा में होने वाली कमी, जिससे हमें विशेषता गुणांक का सूत्र प्राप्त होता है। ये इसके सिद्धांत है। इन दो सूत्रों का हमें इसमें उपयोग करना है। अब हम सीखेंगे प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी में क्या करना है, अकेले पिंड लोलक के लिए आवर्त काल, जब ये अकेला पिंड लोलक है तो इसका आवर्त काल हमें ज्ञात करना है। आवर्त काल ज्ञात करने के लिए हम स्टॉप वॉच की मदद लेंगे, स्टॉप वॉच देखेंगे, स्टॉप वॉच अपने मोबाइल में निकाल के स्टॉप वॉच का यूज किया जाएगा। स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी, स्टॉप वॉच जैसे ही स्टार्ट करनी है वैसे ही इसमें दोलनों को गिनना शुरू करना है। जैसे अब मैं इसको 10 पे विस्थापन आयाम 10 लेके और छोड़ देते हैं, तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वैसे ही स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट करेंगे, और फिर 10 दोलनों का, 20 दोलनों का और 30 दोलनों का आयाम नोट करेंगे। जैसे ये टेबल बनी हुई है, दोलनों की संख्या, समय और आवर्त काल, 10 दोलनों का, 20 दोलनों का और 30 दोलनों का आवर्त काल हमको नोट करना है। 10 दोलन करने में कितना समय लगा, 20 दोलन करने में कितना समय लगा, और आवर्त काल ज्ञात करने के लिए 10 दोलन में अगर यहाँ 9 सेकंड लग रही है तो एक दोलन का मान कितना होगा, 9/10 यानी कि 0.9 सेकंड। 20 दोलन करने में 20 सेकंड लगे तो एक दोलन करने में कितना समय लगा, 20/20 मतलब 1 सेकंड। 30 दोलन करने में 33 सेकंड लगे तो एक दोलन करने में कितना समय लगा, 33/30 यानी कि 1.1 सेकंड। इस तरह से हम इन समयों का माध्य ज्ञात करके अकेले पिंड लोलक का आवर्त काल ज्ञात कर सकते हैं। आवर्त ज्ञात करने, आवर्त काल दोलनों की संख्या के हिसाब से ज्ञात करने का तरीका था। स्टॉप वॉच यहाँ 10 तक आयाम करके छोड़ दो और दोलनों की संख्या गिनते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जैसे इस तरह से हमें समय मिल गया, हम इन समयों को नोट करेंगे। जैसे इसका समय नोट होके आ रहा है और ये समय नोट होके आ रहा है, इन समयों को जैसे इसमें आया 31 सेकंड 68 पल्स, मतलब पहले दोलन, पहले 10 दोलनों को समय लगा 7 सेकंड 83 पल्स,
20 सेकंड 12 पल्स और 31 सेकंड 68 पल्स। यहाँ इस समय को अलग अलग इसमें टेबल में नोट कर डाउन कर देना है, जैसे इस टेबल में अलग अलग समय लिखे हुए हैं, फिर उससे एक दोलन का आवर्तकाल, दूसरी बार वाले 20 दोलनों में से भी एक दोलन का आवर्तकाल निकाला है, 30 दोलनों में से भी एक दोलन का आवर्तकाल निकाला है, उन तीनों का माध्य लिया है। इस तरह से आवर्तकाल निकल के आ गया। फिर करना है हमें अकेले पिंड लोलक का अवमंदन, तो इसमें अवमंदन कितना हुआ, तो यहाँ पहली इस टेबल में क्या करना है, दोलनों की संख्या ज्ञात करनी, दोलनों की संख्या लिखनी है जीरो दोलन। जीरो दोलन का मतलब होता है जब हमारा दोलक अधिकतम आयाम की स्थिति पर स्थापित किया जाए। इस समय कितना आयाम है, अधिकतम आयाम 10 मीटर दिखाई दे रहा है हमें, 10 सेंटीमीटर का आयाम, परंतु दोलन कितने हुए हैं, जीरो। तो इस समय जीरो दोलन पर आयाम कितना है, 10। तो ये होती है पहली टेबल की पहली स्थिति, जीरो दोलन पर आयाम कितना है, 10। जीरो दोलन पर आयाम कितना, 10। अब अपेक्षित आयाम का मतलब है थीटा ए, थीटा नॉट एन डिवाइडेड बाय थीटा नॉट जीरो, मतलब कितने दोलनों की संख्या में प्रारंभिक दोलन के आयाम का भाग देना है। पहले में करना है अगर मुझे, तो पहले टेबल में तो जीरो दोलन के आयाम में जीरो दोलन के आयाम का ही भाग देना होगा, मतलब 10 में 10 का भाग देंगे तो आंसर 1 आएगा। दूसरी टेबल देख रहे हैं, दूसरी रीडिंग देखेंगे तो 10 दोलन हो चुके हैं, तब का आयाम कितना था, आयाम नोट करना है। जैसे अब यहाँ से आयाम देखेंगे, प्रारंभ में अपने कंपाउंड पेंडुलम को अधिकतम विस्थापन यानी कि 10 जीरो दोलन के समय जितना आयाम था वो नोट डाउन कर लिया, उसके बाद 10 दोलन हो जाते हैं तब आयाम कितना आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें दोलनों की संख्या गिनते जाना है और 10 दोलन होने पर आयाम कितना रहेगा। जैसे 10 दोलन पे आयाम की सुई देखो अधिकतम 8 पे आ रही है, तो 10 दोलन होने के बाद जैसे इसमें 9.5 आए, हमारे कितने आ गए, 8। तो हमें यहाँ 8 लिख लेना है 10 दोलन के बाद का आयाम। और यहाँ अपेक्षित आयाम ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, 10 दोलन हो चुके थे उसके आयाम में जीरो दोलन होने के समय जितना आयाम था उसका भाग देना है, मतलब 9.5 में इसमें 10 से भाग दिया तो 0.95 आ गया। ये इसका अपेक्षित आयाम था, किसका, 10 दोलन होने का अपेक्षित आयाम। 20 दोलन होने में अगर उसका आयाम 9 उसने नोट किया है, तो 20 दोलनों का अपेक्षित आयाम ज्ञात करने का तरीका होगा, 20 दोलन प्राप्त करने में जो आयाम आया उसमें जीरो दोलनों का जो आयाम था उसका भाग देना है, मतलब 9 में 10 का भाग, जैसे 20 दोलन होने का आयाम था और 10 जीरो दोलन होने का आयाम था, जीरो दोलन होने के आयाम का भाग देना है 20 दोलन होने के आयाम में, मतलब जितने दोलन हो चुके हैं उसके आयाम में जीरो दोलन हो चुके थे तब के आयाम का भाग देना था, और जीरो दोलन होने वाले आयाम का मान कितना है, 10, मतलब 10 का इन सब में भाग देकर ही अपेक्षित आयाम ज्ञात होगा। अपेक्षित आयाम जो मिल गया उसका लॉग 10, हमें लॉग 10 के बेस में लॉग ज्ञात करना है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से 10 के बेस में अपेक्षित आयाम इसका लॉग ज्ञात कर लेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाली गई रीडिंग है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग का मान ज्ञात किया जाएगा, लॉग 1 का मान साइंटिफिक कैलकुलेटर से 0 मिलता है, लॉग 0.95 का साइंटिफिक कैलकुलेटर से मान माइनस में 0.022 मिलेगा। इस तरह से हमें अपेक्षित आयाम का लॉग मान मिल जाएगा। ऐसा हम केवल पिंड, अकेले पिंड लोलक में अवमंदन देखा, तो हमें देखो आयाम का मान लगातार घटते हुए जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है अपेक्षित आयाम का मान लगातार घटते हुए जा रहा है। सबसे अधिकतम आयाम जीरो है और बाद में नेगेटिव वैल्यू आ रही है और वो सभी वैल्यू लगातार घटती हुई जा रही है। इस तरह से हमें समझ में आया कि अवमंदित दोलित्र का आयाम समय के साथ लगातार घटता है। अब प्रतियुक्त पिंड लोलक का आवर्तकाल, तो पहले इस पिंड लोलक से पत्ती कनेक्ट की जाएगी,
पहले इस पिंडलोलक से पत्ती कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्टर लगा हुआ है। पत्ती कनेक्ट करने के बाद जैसे इस तरह पत्ती लगा दी गई है, वही जीरो की पोजीशन पे है अभी। और अब मुझे इसका आवर्तकाल नोट करना है, देखना है कि ये दोनों स्विच ऊपर से बराबर लगे हों, इसके पोर्ट बराबर हों और ये जीरो पे हो। अब मुझे इसका आवर्तकाल वैसे ही जैसे पहले अकेले पिंडलोलक का आवर्तकाल ज्ञात किया था, उसी तरीके से अब इसका आवर्तकाल ज्ञात होगा। ज्ञात करने का वही तरीका, अधिकतम विस्थापन 10 पे करके छोड़ दो और 10, 20 और 30 दोलनों का समय नोट करो। 10, 20 और 30 दोलनों का समय नोट करो स्टॉप वॉच की सहायता से, जैसे पहले ज्ञात किया था। तो हमें मालूम होगा कि अब पत्ती लगाने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा, जैसे पहले जो आवर्तकाल आया था, देखो इसका आवर्तकाल का मान पत्ती युक्त वाले दोलक के लिए 2 आया है और सिंपल दोलक के लिए आवर्तकाल 1 आया था, मतलब आवर्तकाल का मान बढ़ गया। ऐसी तरह अब हम पत्ती युक्त आवर्तकाल पत्ती युक्त लोलक का अवमंदन ज्ञात करेंगे। वही पहले वाला तरीका, अधिक जीरो आयाम, जीरो दोलनों की संख्या में अधिकतम आयाम 10, फिर 10 दोलनों की संख्या में आयाम का मान, 20 दोलनों की संख्या में आयाम का मान, इस तरह से आयाम के मान लिखे जाएंगे। फिर अपेक्षित आयाम ज्ञात किया जाएगा, फिर उसका लॉग लिया जाएगा, फिर हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट होंगी, फिर इसके बाद जो रीडिंग आई है अपेक्षित आयाम के लॉग लेकर, ये पत्ती युक्त टेबल है और ये बिना पत्ती युक्त टेबल है, तो हमें दो ग्राफ बनाने हैं। ये सिंपल पेंडुलम की ग्राफ है और ये हमारी पत्ती युक्त पेंडुलम की ग्राफ है। तो पत्ती युक्त पेंडुलम की ग्राफ थोड़ी सी नीचे आएगी और बिना पत्ती युक्त पेंडुलम की ग्राफ यहाँ आएगी। देखो ये पत्ती बिना पत्ती वाली है और इसके जस्ट नीचे पत्ती युक्त है, तो पत्ती वाली अगर इस तरह से जा रही है तो बिना पत्ती, पत्ती बिना अगर ऊपर है तो पत्ती युक्त नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि आयाम का मान घट जाता है समय के साथ, तो उसका ग्राफ नीचे आएगा, बिना पत्ती वाला ग्राफ ऊपर आएगा। इसी तरह हम लॉग लेकर करेंगे, बिना पत्ती वाले अपेक्षित आयाम का दोलनों की संख्या के साथ ग्राफ। यहाँ देखो दोलनों की संख्या इसमें है, दोलनों की संख्या ये रही, अपेक्षित आयाम ये रहा, मतलब पहला ग्राफ इसके और इसके बीच बनाया गया। एक्स अक्ष पे दोलनों की संख्या लिखी गई है, वाई अक्ष पे अपेक्षित आयाम है। ये बिना पत्ती वाले की रीडिंग है और ये पत्ती वाले की रीडिंग है। हमेशा पत्ती वाले का ग्राफ बिना पत्ती वाले के ग्राफ के नीचे आएगा, तो इसमें ये जो ग्राफ है ये बिना पत्ती वाला ग्राफ है और इसी के जैसा बिल्कुल पत्ती वाला ग्राफ आएगा। ये अपेक्षित आयाम है वाई अक्ष पे, ये दोलनों की संख्या है। इस तरह से हमें ये ग्राफ आयाम, दोलनों की संख्या बढ़ने पर आयाम का मान घटता हुआ मिल रहा है, बिना पत्ती का थोड़ा कम घट रहा है और पत्ती लगाने पर आयाम का मान ज्यादा घट रहा है, मतलब हमारा प्रयोग पूरी तरह सही है यहाँ तक। अब अगला ग्राफ बनता है लॉग ली हुई टर्म के साथ। दोलनों की संख्या एक्स अक्ष पे लिखी जाती है और लॉग वाली टर्म वाई अक्ष पे लिखी जाती है। ऐसा हम बिना पत्ती वाले के लिए भी करते हैं और ऐसा हम पत्ती वाले के लिए भी करते हैं, दोलनों की संख्या और इधर लॉग ली हुई पत्ती वाले की। तो यहाँ इनको स्केल से मिलाते हैं, जैसे इसने ये पॉइंट टू पॉइंट मिलाया है, हमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलाने, सीधे स्केल से मिलानी है। ये लाइन जो स्केल पे आएंगी वो सही रीडिंग है, स्केल से जो अलग आती है वो रीडिंग हमारी त्रुटि में चली जाती है। पत्ती वाले की ग्राफ नीचे आएगी, बिना पत्ती वाले की ग्राफ ऊपर आएगी। इस तरह से हमारे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये अपेक्षित आयाम का ग्राफ है और ये लॉग के अपेक्षित आयाम का ग्राफ है। इन दोनों से हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, गणना करने के लिए, क्योंकि हमें गणना करनी है अवमंदन गुणांक की।
अगर अकेले पिंड लोलक का अवमंदन गुणांक ज्ञात करना चाहते हैं तो अकेले पिंड लोलक के लिए यहां से देखेंगे, यहां से ज्ञात करेंगे। अकेले पिंड लोलक की ग्राफ ये है, प्रवणता ज्ञात करनी है हमें, तो इस प्रवणता का जो सीधी लाइन पे बिंदु आ रहे हैं, स्केल से मिलाने पर जो बिंदु सीधी लाइन पे आ रहे हैं उन बिंदुओं को लेंगे और इस बिंदु को इस अक्ष से मिलाएंगे और इन बिंदुओं को ऊपर वाले अक्ष से मिलाएंगे, ये ए बी पॉइंट कहला, जैसे यहाँ दिख रहा है एक तो ए बी पॉइंट बनेगा, दूसरा पॉइंट इधर से बी सी पॉइंट बनेगा। तो ए बी और बी सी के मान ज्ञात करके यहाँ पे रख दिए जाएंगे प्रवणता में, ए बी और बी सी के मान ज्ञात करके प्रवणता में रख दिए जाएंगे। टी तुम टेबल में ज्ञात कर चुके हो, बिना पत्ती वाले पेंडुलम के लिए टी का मान एक आया था, वो वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन करके अवमंदन गुणांक आ गया। विश्रांति काल अवमंदन गुणांक का विक्रम होता है, मतलब इसको उल्टा करके विश्रांति काल आ गया। विशेषता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र था पाई अपॉन आर टी, पाई की वैल्यू जानते हैं, आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टी का मान एक आया है, वैल्यू रख के विशेषता गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा ही काम हम पत्ती युक्त पेंडुलम के लिए भी करते हैं। पत्ती युक्त पेंडुलम का जो ग्राफ था उसमें से प्रवणता ये है, पत्ती युक्त पेंडुलम का ग्राफ सीधी स्केल से मिलाने पर जो रीडिंग स्केल पे आई थी उनको, उनसे हम ए बी और बी सी ज्ञात करते हैं। ए बी और बी सी ज्ञात करके अपनी गणना में प्रयुक्त करते हैं। गणना में यहाँ इसने नाम ए बी और बी सी की जगह डी ई और ई एफ रख रखा है, तो हम वो वैल्यू रखते हैं और अपनी गणना करते हैं। टाउ ज्ञात करने के लिए वन अपॉन आर करते हैं, क्योंकि विश्रांति काल अवमंदन गुणांक का विक्रम होता है। विश्रांति काल निकालने के बाद हम विशेषता गुणांक ज्ञात कर लेते हैं और ये सभी प्राप्त हुए परिणामों को इसमें परिणाम में लिख देते हैं। अकेले पिंड लोलक का अवमंदन गुणांक क्या आया? अवमंदन गुणांक आएगा सेकंड इनवर्स में, क्योंकि अवमंदन गुणांक विश्रांति काल का विक्रम होता है। और विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर ये आएगा, पत्ती युक्त के लिए अवमंदन गुणांक का मान और भी ज्यादा आएगा। इस तरह हमें पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। परिणाम लिखने के बाद कुछ विशेष सावधानियां लिखनी है, सावधानियों के नाम पे बस इतना ही करना है, प्रयोग प्रारंभ हो उस समय हमें ये जीरो पे रखना है, प्रयोग प्रारंभ होते समय जीरो पे रखना है, यहाँ से अपना बार बार हिले नहीं, प्रत्यानयन बल की स्थिति सही बनी रहे, पत्ती को अच्छी तरह से कसें, ये इसमें सावधानी रखनी है, इस प्रकार प्रैक्टिकल पूर्ण हो।